ई लर्निंग क्लासेस के तहत मैं डॉक्टर शेखर कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, नंदलाल सिंह कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर, सारण, आपको आज हम भारतीय विधायिका के अंतर्गत यूनियन पार्लियामेंट में राज्यसभा के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। विधायिका की चर्चा पिछले दिनों हमने किया था। जो व्यवस्थापिका है वह सरकार के तीनों अंगों में सर्वोच्च होती है, क्योंकि वही कानूनों का निर्माण करती है जिसके आधार पर कार्यपालिका शासन करती है तथा न्यायपालिका न्याय करती है। संसदीय प्रणाली में व्यवस्थापिका को भारतीय संविधान में पार्लियामेंट कहा गया है। पार्लियामेंट का शाब्दिक अर्थ विवाद करने की संस्था होता है। मतलब ऐसा अभिप्राय है कि संसद में जहां विवाद किया जा सके। भारतीय संसद के तीन अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। हम जानते हैं कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, किंतु वह संसद का एक अभिन्न अंग है तथा उसकी कार्रवाइयों में वह भाग लेता है। हमारी भारतीय संसद का स्वरूप ब्रिटिश संसद की तरह द्विसदनात्मक है। उच्च सदन को राज्यसभा तथा निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है। हमारे संविधान के अनुसार उच्च सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है और निम्न सदन संपूर्ण राष्ट्र का। लोकसभा की अनेक महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त होती हैं, लेकिन राज्यसभा भी अपने अधिकारों का प्रयोग अच्छे ढंग से करके अपनी उपयोगिता को सिद्ध कर देता है। हम यदि उस दृष्टांत को देखें, उदाहरण के रूप में 44वें संवैधानिक संशोधन विधेयक के 6 प्रस्तावों को राज्यसभा ने रद्द कर दिया और लोकसभा को उसे स्वीकार करना पड़ा,
भारतीय संसद के उच्च सदन मतलब राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व तो प्रदान किया गया है, लेकिन यहां पे अमेरिकी परंपरा को नहीं अपनाया गया है। भारतीय राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। राज्यसभा के नाम से ही अस्पष्ट हो जाता है कि इसकी स्थापना भारत संघ की इकाइयों मतलब विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए की गई है। मतलब इसका निर्माण संघीय प्रणाली की आवश्यकताओं को पूर्ण करने तथा वाद विवाद का अवसर प्रदान करने के लिए किया गया है। राज्यसभा जो है अमेरिकी सीनेट की तरह एक स्थायी सदन है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। इनमें 238 सदस्यों का निर्वाचन राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। अन्य 12 सदस्य हमारे संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये 12 सदस्य साहित्य कला विज्ञान और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान का अनुभव रखते हैं। नामांकित सदस्य जो होते हैं वे राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। राज्यसभा के लिए राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि ऐसी रीति के अनुसार चुने जाएंगे जैसा कि संसद विधि के द्वारा उसे प्रत्यारोपित करे। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और संघ शासित प्रदेशों के सीटों का आवंटन संविधान की चौथी अनुसूची
द्वारा किया गया है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है। किंतु इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। हमारे राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष ढंग से होता है। इनके निर्वाचन में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि, केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन राज्यों के विधानसभा या विधान परिषद के मनोनीत सदस्य इनके निर्वाचन में भाग नहीं लेते। भारतीय संविधान में राज्यसभा की सदस्यता के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की हैं। उनमें वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र कम से कम 30 वर्ष की हो, वह संसद द्वारा निर्धारित योग्यता को पूरा करता हो, उसे संसदीय मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए, राज्यसभा के सदस्य होने के संबंध में यह कहा गया है कि वह व्यक्ति सरकार के किसी भी लाभ के पद पर न हो, किसी भी उपयुक्त न्यायालय, मतलब किसी भी प्रकार के न्यायालय के द्वारा वह पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो, वह किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर ली हो या दूसरे देश के प्रति अपनी भक्ति भाव रखता हो, ऐसे व्यक्ति उसकी योग्यता और अर्हता के अंदर नहीं आते हैं। यदि राज्यसभा के सदस्य की योग्यता के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद खड़ा होता है या प्रश्न उठता है, तो निर्वाचन आयोग का जो निर्णय होता है वह अंतिम निर्णय माना जाता है। हमने बताया कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता, जैसा कि लोकसभा का विघटन हो जाता है, उसको भंग कर दिया जाता है, पर राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता।
इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है, लेकिन एक तिहाई सदस्य जो हैं, मतलब 250 के एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त कर लें या कार्यनिवृत्त कर लें हो जाते हैं, उनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। यह व्यवस्था, यह टेन्योर, यह कार्यकाल राष्ट्रपति के द्वारा जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं उन पर भी लागू होता है। राज्यसभा का कोई भी सदस्य सभापति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। यदि संविधान के अनुच्छेद 101 के अंतर्गत कोई सदस्य अयोग्य हो जाए तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी सदस्य सदन की अनुमति के बिना लगातार 60 दिनों तक राज्यसभा की बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो उसका भी स्थान रिक्त माना जाता है। राज्यसभा की बैठकों के लिए समस्त सदस्य संख्या का 10वां भाग उपस्थित होना आवश्यक है। इसके अभाव में सदन की बैठक नहीं हो सकती। संविधान के अनुच्छेद 105 के द्वारा सदस्यों को विशेष अधिकार और उन्मुक्तियां प्रदान की गई हैं। इन उन्मुक्तियों में, इन विशेषाधिकारों में भाषण देने की स्वतंत्रता, या अपने भाषणों, अपने विचारों से वे किसी भी विवाद पर न्यायालय के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य को उसके मासिक वेतन के साथ साथ उसे अधिवेशन के दौरान दैनिक भत्ता भी मिलता है। राज्यसभा के सदस्यों को निःशुल्क आवास तथा यात्रा की सुविधाएं भी प्राप्त हैं। संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व करता है और समस्त कार्रवाइयों पर अपना नियंत्रण रखता है। क्योंकि उपराष्ट्रपति
राज्यसभा का निर्वाचित या मनोनीत सदस्य नहीं होता। इसलिए साधारण स्थिति में भी वह राज्यसभा में मतदान नहीं कर सकता, परंतु किसी प्रस्ताव पर पक्ष एवं विपक्ष का एक समान मत हो तो वह निर्णायक मत दे सकता है। विवादपूर्ण विषयों पर भी वह अपना निर्णय दे सकता है। राज्यसभा में एक उपसभापति भी होता है जिसका निर्वाचन राज्यसभा के सभी सदस्य बहुमत के द्वारा करते हैं। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करता है तो वह राज्यसभा का उपसभापति ही अपने समस्त कार्यों को करता है। इसके अलावा राज्यसभा के उपसभापतियों की एक सूची भी होती है जिसमें सभापति के द्वारा नियुक्त राज्यसभा के 4 सदस्य होते हैं। राज्यसभा के उपसभापति का पद धारण करने वाला व्यक्ति यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रह जाता है तो वह अपना पद खाली कर देगा। वह अपने पद से त्याग पत्र भी दे सकता है। राज्यसभा अपने समस्त सदस्यों के बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पारित करके भी उसे उसके पद से हटा सकती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जनसंख्या के आधार पर होता है। इसलिए राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष भी हो जाता है। राज्यसभा के कुछ अधिकार और कार्य भी हैं। हमारे संविधान के द्वारा राज्यसभा की जो संरचना बनाई गई है वह लोकसभा के सहयोगी और सहायक सदन के रूप में की गई है। राज्यसभा को कार्यपालिका अधिकार के अंतर्गत ज्यादा महत्वपूर्ण अधिकार नहीं प्राप्त है। इसके क्षेत्र में लोकसभा का ही एक अधिकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद पर राज्यसभा का कोई नियंत्रण नहीं है।
फिर भी राज्यसभा के सदस्य पूरक प्रश्नों के द्वारा, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के द्वारा, काम रोको प्रस्ताव के द्वारा सरकार को नियंत्रित करते हैं। राज्यसभा के भी सदस्य मंत्रिपरिषद के सदस्य हो सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कार्यपालिका शक्ति की दृष्टि से नगण्य होते हुए भी राज्यसभा को कुछ मामलों में यह अधिकार, कार्यपालिका शक्ति का अधिकार प्रयोग कर ही लेती है। लेजिस्लेटिव पावर विधायी अधिकार के रूप में हमारे संविधान के अनुच्छेद 107 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक विधेयक तभी अधिनियम हो सकता है जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाए। यदि हम वित्त विधेयक को छोड़ दें तो अन्य विधेयकों में दोनों सदनों को लगभग सामान्य अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन वित्त विधेयक जो है वह केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। यदि किसी विधेयक के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा के बीच मतभेद हो जाए या लोकसभा विधेयक को पारित कर दे तो राज्यसभा अपनी स्वीकृति देने में 6 माह से यदि ज्यादा का विलंब कर दे तो राष्ट्रपति हमारे संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाकर इसे पारित करवाते हैं। लोकसभा की सदस्यों की संख्या, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या से ज्यादा होती है, इसलिए संयुक्त बैठकों में लोकसभा का जो पलड़ा होता है वह भारी हो जाता है और वह विधेयक पास हो जाता है। हम कह सकते हैं कि राज्यसभा जो है साधारण विधेयक के संबंध में ज्यादा से ज्यादा 6 माह का विलंब कर सकती है। लेकिन राज्यसभा के सदस्य संयुक्त अधिवेशनों में अपनी तार्किक बुद्धि का प्रयोग करके लोकसभा के सदस्यों को अपनी तरफ प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिले। जहां तक वित्त विधेयक का प्रश्न है, राज्यसभा के पास
कोई अधिकार नहीं है। राज्यसभा अधिक से अधिक 14 दिनों तक विलंब कर सकती। वित्तीय अधिकार के क्षेत्र में राज्यसभा की स्थिति काफी कमजोर है। वित्त विधेयक को तो राज्यसभा में पेश भी नहीं किया जा सकता। लोकसभा के द्वारा वित्त विधेयक पारित होने के बाद राज्यसभा 14 दिनों से ज्यादा नहीं रोक सकता। 14 दिनों के अंदर वह अपना सुझाव लोकसभा को दे सकता है। राज्यसभा के सुझावों को मानना न मानना यह हमारे लोकसभा के पर निर्भर करता है। यदि राज्यसभा 14 दिनों तक कुछ भी न बोले वित्त के मामले में, वित्तीय अधिकारों के क्षेत्र में, तो 14 दिनों के बाद उस विधेयक को उसी रूप में पारित समझा जाता है जिस रूप में लोकसभा ने धन विधेयक को पारित किया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय भी लोकसभा का अध्यक्ष करता है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल परामर्श देने का अधिकार प्राप्त है। संविधान में संशोधन का अधिकार संवैधानिक संशोधनों के मामले में राज्यसभा को लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त हैं। संशोधन विधेयक राज्यसभा में भी पेश किए जा सकते हैं। संविधान में कोई भी संशोधन तभी हो सकता है जब प्रत्येक सदन, लोकसभा और राज्यसभा की कुल संख्या का बहुमत एवं उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के 2/3 मत से पारित न हो जाए। संवैधानिक संशोधनों के क्षेत्र में हम पाते हैं, हम देखते हैं, यह स्पष्ट हो चुका है कि राज्यसभा कोई मामूली सदन नहीं है। ऐसे उदाहरण हमें प्रीवी पर्स उन्मूलन संशोधन विधेयक के मामले में देखने को मिला। संविधान के 44वें संशोधन विधेयक में भी राज्यसभा ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर लोकसभा को दिखा दिया। राज्यसभा का संविधान में संशोधन के मामले में काफी महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। राज्यसभा को महाभियोग चलाने का भी अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति के महाभियोग लगाने का जहां तक प्रश्न है, इस संबंध में
राज्यसभा को लोकसभा के बराबर ही अधिकार प्राप्त है। यह महाभियोग का प्रस्ताव राज्यसभा में भी पेश हो सकता है। यदि महाभियोग का प्रस्ताव राज्यसभा में पेश हो और राज्यसभा के दो तिहाई सदस्यों के द्वारा स्वीकृति हो जाए तो उसे लोकसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा के अन्य अधिकार भी हैं। उन अधिकारों में यदि लोकसभा विकृत हो जाए और आपात उद्घोषणा का अनुमोदन उस समय राज्यसभा के द्वारा आवश्यक है, हमारे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी लोकसभा की तरह राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। राज्यसभा के कुछ ऐसे विशेषाधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को भी प्राप्त नहीं है। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा राज्य सूची में वर्णित किसी भी विषय पर अपने दो तिहाई बहुमत से संसद को कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। ऐसे ही विशेष अधिकारों के तहत अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अखिल भारतीय सेवाओं की रचना करने के लिए सरकार को आदेश दे सकती है, ऑर्डर दे सकती है। राज्यसभा के मूल्यांकन के संबंध में हमारे राजनीति शास्त्र के विद्वानों ने इसकी उपयोगिता पर संदेह उत्पन्न किया है। कुछ लोग इसको समाप्त कर देने के पक्ष में होते हैं तो कुछ लोग इसे बनाए रखना चाहते हैं। राज्यसभा की सही स्थिति को समझने के लिए राज्यसभा के पक्ष और विपक्ष के तर्कों को समझना आवश्यक होगा। राज्यसभा का निर्माण, इसका एकमात्र उद्देश्य संविधान के द्विसदनात्मक प्रणाली की प्रचलित परंपरा के अनुकूल ढालना है। हम इसके पक्ष में तर्क के पहले इसके विपक्ष की यदि चर्चा कर लें, इसकी आलोचनाओं के बारे में हम ध्यान दे दें।
तो ज्यादा समझने के लिए उपयुक्त रहेगा। अनेक विद्वानों ने राज्यसभा को असंघीय सिद्धांत पर आधारित माना है। भारत में राज्यसभा के गठन में समान प्रतिनिधित्व, राज्यों के लिए समान प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। भारत में प्रतिनिधित्व का आधार राज्य नहीं मानकर जनसंख्या को माना गया है। दलीय प्रतिनिधित्व के रूप में भी आलोचनाएं की जाती हैं। आलोचकों के द्वारा यह कहा जाता है कि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं करती, वह राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाएं करती हैं। विधानसभाओं के उन सदस्यों का निर्वाचन अपने अपने दल के आधार पर होता है। राज्यसभा में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव दलीय प्रतिनिधित्व के अनुसार हो जाता है। आलोचकों के द्वारा राज्यसभा के अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली पर भी उंगली उठाई गई है। कहा गया है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन के कारण राज्यों का वास्तविक प्रतिनिधित्व राज्यसभा में नहीं हो पाता। इसकी आलोचनाएं यदि हम करते हैं तो उन आलोचनाओं में प्रमुख आलोचनाएं सदस्यों के मनोनयन का जो अलोकतांत्रिक व्यवहार अपनाया जाता है वह है राज्यसभा के जो 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा होता है, इसमें राष्ट्रपति इस अधिकार का दुरुपयोग भी कर सकता है। ऐसे सदस्यों को मनोनीत करते समय राजनीतिक दलों के साथ उनके संबंध पर भी ध्यान दिया जाता है। शक्तिहीन सदन के रूप में माना जाता है इसके अधिकार एवं कार्यों की आलोचनाओं के रूप में। एक शक्तिहीन सदन इसलिए है कि यह साधारण विधेयकों को अधिक से अधिक 6 माह का विलंब कर सकती है, और वित्तीय मामलों में तो केवल 14 दिन।
और यदि संयुक्त अधिवेशन हो तो उसमें भी जीत लोकसभा की ही होती है, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों की संख्या राज्यसभा के सदस्यों की संख्या से ज्यादा है। राज्यसभा का राष्ट्रीय कार्यपालिका पर भी कोई नियंत्रण नहीं है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जिम्मेवार है, राज्यसभा के प्रति नहीं। राज्यसभा मंत्रिपरिषद के अपदस्थ भी नहीं कर सकती, यह भी इसकी आलोचनाओं में प्रमुख है। इसकी आलोचनाओं की चर्चा करने में हम यह कह सकते हैं कि यह निष्पक्ष सदन नहीं है, क्योंकि इसमें निहित स्वार्थ के लोग हो रहते हैं। सत्तारूढ़ दल द्वारा पारित विधेयक को ये आंख मूंद कर स्वीकार कर लेते हैं, इसकी आलोचना में यह कहा जा सकता है कि इसकी गणपूर्ति के लिए कोरम के लिए जो पीठासीन पदाधिकारी राज्यसभा के होते हैं उनको लेकर कुल सदस्यों का दसवां हिस्सा, मतलब केवल 25 सदस्यों की उपस्थिति ही आवश्यक है, जिससे कार्यविधि संबंधी भी आलोचनाओं का शिकार राज्यसभा को होना पड़ता है। राज्यसभा के पक्ष में हम कह सकते हैं कि यह लोकतांत्रिक परंपरा के अनुकूल होता है। राज्यसभा द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का पूरक है। यह लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुकूल है। राज्यसभा की वास्तविक उपयोगिता है आज के इस लोकतांत्रिक युग में लोकसभा के पास। कानूनों की जितनी जटिलताएं और उसकी गंभीरता पूर्वक विचार करने का जो बहुत कम समय रहता है, और राज्यसभा के पास पर्याप्त समय होता है, इसके सदस्य अनुभवी शिक्षित विद्वान होते हैं, इसलिए प्रत्येक विधेयक पर गंभीरता पूर्वक विचार होता है। साधारण विधेयक पर तो राज्यसभा 6 माह का विलंब कर जनता को विधेयक के तरफ आकर्षित कर सकती है, जागरूक कर सकती है। राज्यसभा के पक्ष में हम कह सकते हैं कि यह लोकसभा पर अंकुश लगाती है। लोकसभा की निरंकुशता को राज्यसभा नियंत्रित करती है। यदि केवल एक सदन होता तो वह निरंकुश हो सकती थी,
राज्यसभा के रहने से लोकसभा पर नियंत्रण रहता है। यह लोकसभा के उतावलेपन पर भी रोक लगाती है। लोकसभा के द्वारा जो जल्दीबाजी में विधेयक पारित करने के लिए रोकती है, राज्यसभा प्रशासन में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान करती है। वह प्रशासन में जटिलताएं को ध्यान में रखकर अपना सुझाव दे सकती है। अनुच्छेद 249 के अधिकार के तहत राज्यसभा राज्य सूची में वर्णित किसी भी विषय पर अपने 2/3 बहुमत से संसद को कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। हमारा राज्यसभा में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व मनोनय प्रणाली के द्वारा हो सकता है। राज्यसभा जो है वह संघीय व्यवस्था के अनुकूल है। संघीय शासन प्रणाली के लिए द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका जरूरी है, क्योंकि एक सदन जनता का होता है और दूसरा सदन इकाइयों का। भारत में लोकसभा का प्रतिनिधित्व जनता करती है, या हम यूं कह लें कि जनता का प्रतिनिधित्व लोकसभा करती है और राज्यसभा विभिन्न इकाइयों का, चूंकि हमारा देश एक संघात्मक शासन की स्थापना करता है, इसलिए संघ की विभिन्न इकाइयों के प्रतिनिधित्व के लिए राज्यसभा की स्थापना की गई है। अब हम उपयुक्त जो अभी पक्ष और विपक्ष में तर्क प्रस्तुत किए, उपयुक्त सभी तथ्यों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान में राज्यसभा को द्वितीय स्थान प्रदान किया गया है। इससे इस सदन की उपयोगिता का आभास हो जाता है, लेकिन लोकसभा के समान संविधान संशोधन का अधिकार देकर राज्यसभा की उपयोगिता काफी बढ़ गई है। इस संविधान संशोधन के अधिकार ऐसा अंकुश है जिसे सरकार और लोकसभा दोनों नियंत्रित रहती है। इस उपयोगिता की दृष्टि से राज्यसभा की उपयोगिता
का हमें बोध होता है। पर इसमें कुछ संगठन, इसके संगठन में कुछ सुधार की आवश्यकता है। यदि इसके सदस्यों का निर्वाचन भी प्रत्यक्ष प्रणाली से हो और मनोनयन की जो प्रणाली है उसे समाप्त कर दिया जाए, तो हमारे बहुत सारे राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है। उम्मीद है कि राज्यसभा की रचना, संगठन और उसके कार्यों के बारे में हमने जो आज आपके सामने विस्तृत रूप से चर्चा की, आपके लिए यह लाभप्रद होगा। अगली चर्चा के क्रम में हम लोकसभा पर करेंगे। धन्यवाद।